अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको शामदेद कहते हैं। हुकूमत ने एक बार फिर एक और ऐसी चीज़ के हवाले से महंगाई का फ़ैसला किया है, उसे महंगा करने का फ़ैसला किया है, जो कि जान बचाने वाली अद्वियात कहलाती हैं। हुकूमत ने 10% से 10% तक इजाज़त दे दी है उन कंपनीज़ को जो कि अद्वियात साज कंपनीज़ थी, जो कि पहले से ही लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि अद्वियात पहले से ही बहुत महंगी हैं। और जो मरीज़ है, ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़, कई शुगर के मरीज़ होते हैं जिनको अद्वियात बहुत ज़रूरी होती हैं, कई डायलिसिस पे मरीज़ होते हैं जिन्हें हफ्ते में 2 दिन हर सूरत में वो इंजेक्शन चाहिए होते हैं, तो उन लोगों का जो गुज़र बसर है वो इसी मेडिसिन के साथ साथ, खुराक के साथ साथ चल रहा है। लेकिन उनके हवाले से अगर जब भी फ़ैसला होता है तो उनके लिए ये एक बड़ा मुश्किल मरला होता है। ख़ास कि सबके लिए ये मुश्किल मरला है, लेकिन हुकूमत ने ये सोचे समझे बगैर कि एक रिपोर्ट इससे पहले आमिर कियानी साहब की मौजूद है और उस हवाले से कीमतें हुकूमत ने कम करनी थी, बजाय इसके कि वो रिपोर्ट के तहत वो कीमतें कम की जाती अद्वियात की, मज़ीद अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से एक अजीब सा जो है यहाँ पर लोगों के अंदर गमो गुस्सा भी है। और ख़ास तौर पर जो ये इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उनके लिए मुश्किल बात यह है, उनके लिए मुश्किल मरला ये है कि इस 2 सालों में कई गुना मेडिसिन महंगी हुई, जिससे कारोबार डाउन हुआ और लोग जो हैं वो जहां पर पूरी की पूरी अद्वियात खाते थे वहां पर चंद दिन की मेडिसिन लेते हैं। तो ये भी ख़तरनाक चीज़ है जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर से ही हमने सुनी है कि ये एक कुलिया है, एक कहावत है कि आधी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, बजाय इसके कि आप इलाज ना करवाएं, तो इलाज करवाने के लिए पूरी मेडिसिन, पूरा कोर्स बहुत ज़रूरी होता है। तो गरीब बंदा इस वक्त आधा कोर्स करके छोड़ देता है, गरीब के लिए एक बड़ी मुश्किल मरला हो सकता है। मेरे पीछे एक बड़ी तादाद में लोग हैं, लोगों से तो हम बात करेंगे, ऑब्वियसली ये अवामी इशू है और इमरान खान साहब हमेशा से यही बात करते हैं कि अवाम के हवाले से वो मुश्किल फ़ैसले करने होंगे जिससे अवाम को फ़ायदा हो, लेकिन मुश्किल फ़ैसले हमेशा से प्राइम मिनिस्टर या मौजूदा हुकूमत करती है, तो वो अवाम के लिए मुश्किलात मज़ीद खड़ी कर देती हैं। अद्वियात पहले से जो महंगी थी, मज़ीद महंगी करना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं था। जिस तरीके से दीगर अशिया खुर्दनोश हैं, हमने आज देखा कि आटे का रेट 1300 से भी बढ़ गया, चक्की वाले आटे का रेट, और इसी तरीके से सब्जियों के रेट भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, बजाय उनको कंट्रोल करने के, स्टॉपेज लगाने के, दूसरी तरफ मेडिसिन की तरफ आ जाता है। तो ये एक राउंड चेयर है जो कि एक गेम होती है, उसके इर्द गिर्द ही ये सारे का सारा सिनेरियो चल रहा होता है। कभी सब्ज़ी महंगी होती है तो उसकी तवज्जो बटाने के लिए आटा महंगा कर दिया जाता है, चीनी को देख लिया जाता है, बिजली का इसी तरीके से, और फिर मेडिसिन की तरफ आ जाते हैं। तो मतलब ये एक रिवॉल्विंग चेयर वाला मामला है कि एक इशू ख़त्म करने के लिए दूसरा इशू शुरू कर दिया जाता है। तो ये कंसर्न्स हैं इस वक्त अवाम के, लोगों के, शहरियों के। हुकूमत ने फैसला कर लिया है और हुकूमत कह रही है कि 10% मज़ीद जो है ना मेडिसिन बढ़ेंगी, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप तक इतलात होंगी, ऑब्वियसली आप इस वक्त इस फील्ड से वाबस्ते हैं। तो क्या समझते हैं कितना बड़ा फ़ैसला है? आपका तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ना, ना सिर्फ कंपनीज़ के साथ बल्कि ग्राहक जो आते हैं उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आवाम से ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, पहली बात। अच्छा, घबराना नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा कायम और दायम रहेगा जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम हमारे बच्चे भी और पता नहीं कब तक। जो हालात इस मुल्क में पैदा हो चुके हैं, ये रेट तो डेली बढ़ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। अब जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 10% बढ़ाने का, ये सिर्फ दिखाया गया है कि ये 10% बढ़ाएंगे, लेकिन ये कितना बढ़ेगा वो किसी को खुली छूट है, खुली छूट। हाँ जी, ये तो इन्होंने इजाज़त दे दी ना कि आप 10% बढ़ाएं, इन्होंने इजाज़त दे दी है। जो कंपनी, जो माफिया है, जो मेडिसिन का जो माफिया है इस वक्त, वो आपकी सोच नहीं है मोहसिन भाई। जो मेडिसिन के रेट बढ़ के हमारे पास आते हैं ना, एक मेडिसिन है शुगर के लिए जनूबिया, उसकी रिटेल थी 2352 रुपये, अब उसकी रिटेल मेरे पास 3100 रुपये प्रिंट पड़ी है। एक कैप्सूल है न्यूरॉल, इसके लिए किडनी के लिए, उसकी कीमत थी 2315 रुपये, अब उसकी कीमत 2900 रुपये है, वो इन रेट बढ़ाने से पहले। तो अब उनको दोनों मेडिसिन मेरे ख्याल
हर सूरत लेने होती है, जिसको अगर शुगर है या जिसको गुर्दों का मसला है तो ये दोनों डेली बेसिस पे उसने इस्तेमाल करनी है। अगर वो नहीं इस्तेमाल करता तो उसकी ज़िंदगी को इंतहाई ख़तरा है, क्योंकि उसकी जान ही नहीं बचनी जब मेडिसिन ही उसकी उसको चलाने के लिए वो बनी हुई है। आपको क्या फिक्र है, आपका तो मार्जिन बढ़ रहा है ना, बेचो मजे करें, आप तो मुनाफा कमाएं। मोहसिन भाई आप यकीन करें, हम लोग आज मैं सुबह जब मैं न्यूज़ देखी है ना तो मैं दिल में याद कर रहा था कि मोहसिन भाई मेरे पास आ रहे हैं और मैं अपने उनको जज्बात बताऊं। लोग बहुत परेशान है यहाँ, इन हुकूमत को रिलीफ तो देने एक साइड पे है, कम अज़ कम इनके ऊपर कंट्रोल तो करें ना, इन रेट्स को बढ़ने के तो रोकें कम अज़ कम, इनको मजीद तो ना बढ़ाने दें। अब ये 10% का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप यकीन करेंगे ये मेरे जो मेरा जेन है, जो मैं अपने जेन से बात करता हूँ, ये बिल आए हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है 50% से अबव इन्होंने रेट इंक्रीज करने हैं। ये सिर्फ गेट में मिलता है, हरी झंडी दे देते हैं इसी तरह। आपने ये देख लेंगे 10% का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। हफ्ते बाद हम फिर प्रोग्राम करेंगे, आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि हम जो डब्बियां हमारे पास अब जो पुराने रेट वाली रुकी हुई है ना वो रोकेंगे और आपको जो नया रेट आएगा वो आपको दिखाएंगे। फिर आप उसका डिस्टेंस उसका फर्क देख लीजिएगा, 10% हुआ है या 50%। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। अच्छा शाह साहब, मैं ये पूछूंगा कि इससे पहले भी आपका माशाल्लाह एक बड़ा तजुर्बा है, तो पहले जब मेडिसिन महंगी होती थी तो कितने अरसे बाद होती थी और कितने किस तरीके से मैकेनिज्म होता था, लेकिन अब जो है तो ये तो मैं रैपिडली बढ़ रही है, एक तेज़ी लगी हुई है डे बाय डे, तो ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले कंट्रोल था अब कंट्रोल नहीं है, पहले भी ऐसी होता था? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले जो इस हुकूमत से पहले जो थे वो रेट अगर पहले तो बढ़ते नहीं थे, सालों साल रेट नहीं बढ़ता था। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये मेरा तजर्बा हो गया ना, हमने इतना ये इनके रेट जो पहले होते थे आनों के हिसाब से, यानी कि 50 पैसे बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गए या 3 रुपये, जब वो 2-3 रुपये बढ़ता था तो कस्टमर जो हमारे पास लेने आते थे उनमें परेशानी होती थी, लेकिन अब सैकड़ों के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। डे बाई डे कंपनी अपने आप बगैर कोई नोटिफिकेशन दिए हुए हमें रेट बढ़ा देते हैं। जब हम इनवॉइस चेक करते हैं, पहले की डब्बी देखते हैं और दोबारा देखते हैं उस स्टॉक को, उसमें तकरीबन 100-150 रुपये का 1-2-250-300 के आइटम के ऊपर वो डिस्टेंस उसका फ़र्क आया हुआ होता है। वो जो वो सारा बर्डन तो पड़ना है आवाम के ऊपर, आवाम ने हमने पहले कह दिया कि घबराना नहीं है। लेकिन कोई हल है अब इसका? कोई हल नहीं, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखें मेरी बात सुने मोहसिन भाई, ये इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के हो चुके हैं ना, ये वापस आना इसका रेट का महंगाई का ये बहुत मुश्किल है। गाग आपसे बहस करते हैं बिल्कुल, आज माशाल्लाह हमने आज स्टॉक लिखवाया है कंपनी को, कंपनीज ने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि आपको जी ये अगर आपकी 10 की डिमांड है तो आपको 2 डब्बी से ऊपर नहीं आएगी, उसकी वजह ये है कि रेट बढ़ गया। ये भी पेट्रोल वाला माफिया ही ऐसा बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ये पेट्रोल कम 50 का ले लें भाई, इससे ज्यादा इस तरह नहीं है। आप देखें पेट्रोल जब बढ़ा है तो लेनों में लगा के लोगों को किसी को 1 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं दिया, 1 लीटर से ऊपर नहीं दिया, क्योंकि वो उन्होंने अपना स्टॉक बचाना था ताकि पता था बाद में महंगा बिकेगा, तो दवाइयों वालों ने भी वो भी ये ये बातें हमारी हैं, शायद जो अद्वियात साज कंपनी है उनकी भी मजबूरी हो, वो भी कह रही हो कि अखराजात इतने हो गए हैं, ये मामला है, तो शायद उनके भी मामला हो। देखें जी मामला तो हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ने जितना अब आवाम को पीस दिया है टैक्सेस में महंगाई के अंदर, हो सकता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि इन डायरेक्ट आवाम को ना छेड़ा जाए, कंपनीज़ के ऊपर बर्डन डाला जाए, तो कंपनीज़ तो आवाम से वो ले लेने ना, उन्होंने ये कंपनीज़ को प्रेशराइज़ करके इन्होंने अपना जो है उसका टैक्सेस का वो रेशो बढ़ा के उनके ऊपर उनको प्रेशराइज कर। आमिर कियानी साहब को भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है ना गलत तरीके से या मिसमैनेज किया, उन्हें हटाया भी और कहा भी कि रिवर्स होंगे रेट, वो हुए थे रिवर्स? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए एक वो टोपी ड्रामा किया गया था, हम तो इसको टोपी ड्रामा कहते हैं, वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया था, उस बंदे को हटा दिया, अभी उसके ऊपर ब्लेम आ गया, इसको हटा दिया, काम एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है। अच्छा, तो मतलब है कि और मजीद बर्डन डाल दिया बजाय इसके कि उसको रिवर्स करते हैं, चले उसे वहीं पर रोक दिया, ठीक है मजीद आगे। ये हुकूमत क्या समझ रही है, आवाम में नहीं आना, वोट नहीं लेना? देखें जी ये हुकूमत दोबारा बनती या नहीं पाती बनती अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने इस हुकूमत में इस वज़ीर आज़म के लिए जो वोट कास्ट किए हैं, मेरे ख्याल है कि दोबारा जब दोबारा इलेक्शन आएंगे, मुझे उम्मीद है, मैं इतना तो मुझे उम्मीद है, लोग अपने शनाख्ती कार्ड जला देंगे भाई, इसको वोट डालने से बेहतर शनाख्ती कार्ड जला दो। हाँ जी भाईजान, मेडिसिन लेने आते हैं आप लोग? जी जी। ये दिन ब दिन महंगी हो रही है, क्या कहेंगे? मेडिसिन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, काफ़ी यानी कि परेशानी हो रही है लेने में, जो चीज़ पहले लेते थे 100 रुपये की वो कम अज़ कम आज 200 से ऊपर हो गई है, दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल होती है उसमें? मुश्किल क्या, हमारे बस से भी दूर हो गया, गरीब और क्या है बड़े,
इतना गरीब कमाता नहीं जितना इधर उधर हिसाब में। जिसने मेडिसिन लेनी है उसने तो लेनी है भाई, उसने तो जान बचानी। बिल्कुल, हर बंदे ने जान बचानी होती है, लेकिन ये है कि रेट उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से कमाई होती है। अब हमें मिलता है 500 रुपया और दवाई मिलती है 1000 रुपये की, उसमें कैसे दवाई लें, जान बचाएं या काम करें, बच्चों को भी खिलाना है, 100 तरह का हिसाब देखना होता है। घर में कोई बुजुर्ग है उसको खुदा ना खासा शुगर है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो उसकी शुगर की दवाई अगर भाई कह रहे हैं 2300 की थी अब 3100-3200 रुपये की होगी। ऐसे ही है, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, कंट्रोल। कौन सी दवाई लेने हैं भाई? ये देखो सही है पता, मेडिसिन ये मांग रहे हैं, ये इसकी कीमत है 2.35 रुपये। अच्छा। और ये ब्लैक में सिर्फ कंपनीज ने स्टॉक रोका हुआ है, स्टॉक नहीं दे रहे, ये 2500 रुपये तक डब्बी, ये होलसेल में बिकी है ये डब्बी, ये मेडिसिन। हाँ जी, और ये ढूंढ रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं मिल रही। ये ब्लैक भी हो जाती है? बिल्कुल ब्लैक होती है, जब देखें ना जिनके पास स्टॉक पड़ा है। अब हमारे पास लेवल होता है एक, हमने उस हिसाब से अपना स्टॉक मंगवाना होता है, मैनेज रखना होता है डेली। अब हमारे पास ये स्टॉक खत्म हुआ, हमने कंपनी को फोन किया, कंपनी के पास ये ऑर्डर उनका आया नहीं, हमें स्टॉक नहीं मिला। लोग पैसे ये दिखाएं जरा, पैसे हाथ में है और दवाई भी ढूंढ रहे हैं, कैसी गवर्नेंस है आपकी कि चीज़ भी नहीं मिल रही, महंगी भी है और लोग धक्के भी खा रहे हैं, तो ये क्या हो क्या रहा है? गवर्नमेंट क्या कर, क्या पता मजीद 10% और दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, क्या पता जी क्या कर रहे हैं जी। एक दवाई मिली, एक मिली नहीं रही। अच्छा, एक मिल गई एक नहीं मिली। ये देखें, एक ले आया हूँ। हाँ। दूसरी नहीं मिल रही, तो ये दूसरी जो है वो कह रहे हैं ब्लैक हो गई है, इसकी कीमत बढ़ाने वो के कहते हैं नहीं पता नहीं, तो ये कीमत बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको साइड पे रख लिया। बिल्कुल इसी तरह है ये पूरा एक गैंग है, ये पाकिस्तान के अंदर हर शोबे के अंदर ये गैंग बने हुए हैं इनके। अब देखते हैं कि एक गवर्नमेंट के आगे तो कोई गैंग नहीं होता, रियासत के आगे तो हमने आज तक सुना है रियासत से तो बढ़ के कोई नहीं है ना, रियासत से बढ़ के कोई नहीं है। ये रियासत की कमजोरी है, नाहली है, या रियासत जानबूझ के ऐसे कर रही है? तीन ऑप्शन है ना। जब रियासत के लोग बीच में इन्वॉल्वमेंट होगी तो कभी भी सहूलत नहीं मिलेगी किसी भी लोगों को, किसी लोग जो भी है आवाम, कभी सहूलत नहीं मिलेगी। ये इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट के अपने बंदे हैं, उन्होंने जाहिर है इनके अपने जो इनके मेंबर, मतलब इस सारे बुरानों में जो एक से बाद दूसरा तवज्जो लेने के लिए बना दिया जाता है, इसमें कई लोगों ने अरबों कमा लिए होंगे। बिल्कुल इस तरह, अरबों नहीं खरबों रुपए, क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, और ये डे बाई डे अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए। और ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन शायद ये 10% जारी कर दिया है, लेकिन कई लोग इससे खरबपति। देखिए आप, मेरी मैंने जो पहले बात की आपको कि नोटिफिकेशन 10% का इन्होंने जारी किया है, लेकिन वो जो कंपनीज हैं वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी बनाए। आएंगे एक हफ्ता बाद फिर आएंगे, फिर दिखाएंगे, क्योंकि इस इशू को छोड़ना नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये शायद जो मर रहा होगा ना, जिसको ऑक्सीडेल इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, तो मैंने भी देखा था वो 150 से चला था, पता नहीं 300-400 रुपये रिटेल है इस वक्त, 315 रुपये तक पहुंच गया। तो मतलब ये वो आम चीज़ें हैं जो कि आम कॉमन लोग देख रहे हैं, और इस हुकूमत में ऑक्सीडिल जैसा जो इंजेक्शन होता है वो ऑपरेशन ऑपरेट होने के बाद लगाया जाता है, और ऐसे लोगों को लगाया जाता है जिनको जान बचाने की ज़रूरत होती है, तो वो भी ज़ालिमों ने नहीं छोड़ा उसको भी। तो अद्वियात साज कंपनीज जो माल बनानी है, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर क्या कर रही है, एक सवालिया निशान है। इसी वाले से मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, कुछ और लोग होंगे, गाहक होंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है अद्वियात के हवाले से, कीमतों में इजाफे के से क्या असरात पड़ रहे हैं आम लोगों के ऊपर और क्या पड़ सकते हैं। इससे पहले भी हुकूमत ने एक बार अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला किया था, जिसके बाद अद्वियात साज कंपनीज ने अपने खुद साख्ता महंगाई के थ्रू जो है वो 400-400% इजाफा कर दिया था मेडिसन में। तो इस वक्त आवाम क्या कहती है, एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे जी, मज़ीद महंगी होने जा रही हैं अद्वियात, क्या हो क्या रहा है? पहले भी बहुत महंगी थी, अब ज़्यादा महंगी हो गई हैं पहले से भी। ठीक है, हम मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, तो अभी अद्वियात लेने आए हैं? जी हाँ, अद्वियात लेने आए हैं। जान बचाने वाली जी जान बचाने वाली जी जी इसमें तो कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हुकूमत काम करना चाहे तो हो सकती है। खान साहब तो कह रहे थे अवाम की बात होगी और अवाम के लिए तो मुश्किल फैसला। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, कुछ सामने भी नहीं आया, 2 साल में कोई ऐसा अच्छा फैसला अवाम के लिए नहीं हुआ।
हम तो ये कहते हैं कि मेहरबानी करें, इसमें रिलीफ दे, क्योंकि गरीब कहाँ जाए आखिर, एक रोजगार नहीं है, एक अद्वियात महंगी है, क्या करे आखिर इंसान, जान महंगा होता है, चीनी महंगी हो जाती है, चीनी महंगी होती है, बिजली महंगी हो जाती है, बिजली के बाद ये क्या हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या कर ये नहीं, हम कुछ नहीं समझ रहे क्या कर रही है, हमने सोचा कुछ और था, हो कुछ और है, उसके बरक्स हो रहा है। अल्लाह करम करे, बस हम उसको यही कह सकते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे और गरीबों के लिए सोचे कुछ, कुछ भी नहीं सोच रहा हमें तो, कुछ कोई रिलीफ 2 साल में कुछ भी नहीं मिला, कुछ देखने में नहीं आया, हर चीज़ रोज़ाना यही सुनते हैं कि महंगी बिजली महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, महंगी हर चीज़ महंगी हो रही है, ये नहीं कहा कि एक रुपया कोई चीज़ सस्ती हो रही है, तो कह रहे हैं हम तो बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं, कोई आवाम के फैसले हमारे देखने में कोई फैसला अच्छा आया नहीं इस 2 साल में, हमने वोट भी उसको दिए थे लेकिन हम अब समझो कि उसके खिलाफ ही उठ रहे हैं, दिल टूट गया, हाँ टूट, खाली नहीं टूट गया, बस वो आंसू बहाने को दिल करता है लेकिन बस क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते, लगता तो ऐसी था खान साहब की बातों से कि कर लेंगे हमें बड़ी तवक्को थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल हैं हाँ अफसोस से कहना, लेकिन इस 3 साल में कुछ नहीं लगता, हर चीज़ पीछे ही जा रही है, आगे की तरफ कुछ कोई तरक्की की तरफ कोई चीज़ भी नहीं जा रही, अल्लाह करम करे, बस दुआ करो, आम बंदे की मुश्किलात इजाफा रोजाना हो रहा है। जिस बंदे ने अगर शुगर है खुदा ना खासा किसी को, या उसके गुर्दों का मसला डायलिसिस का, या फिर कोई ऐसी बीमारी है उसने डेली दवाई खानी है, उसके लिए ऐसे फैसले तो बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है, थोड़ा जाके आगे देखो गरीबों को, जो कुछ गरीब ऐसे भी जो घर में पड़े हैं दवाई ले भी नहीं सकते, उनके पास कुछ भी नहीं है, हम भी पता नहीं किस तरीके से अब आए हैं, लेकिन अब जो देखा इधर तो सेहत में हमारी जेब भी ज़्यादा ना देके दवाई लेके जाएँ, जो लेके जाएंगे तो हाफ लेके जाएंगे, पहले इतने मुश्किल है, अब और इजाफा हो जाएगा तो उसके बाद तो मामला, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, इजाफा बहुत हो रहा है, लेकिन साहब ने कहा था पिछली बार जब इजाफा हुआ था कि इसको रिवर्स किया जाएगा, आमिर कियानी साहब के हवाले से इंक्वायरी भी बनी थी, आमिर तो आवाम को वो बातें याद है, बिल्कुल याद है, लेकिन उसमें हो कुछ नहीं रहा, याद तो सब कुछ है लेकिन खान साहब कुछ नहीं याद, अफसोस यह है उसको कुछ याद, मजीद उसको खत्म करने की बजाय, उनको रिवर्स करने की बजाय और मजीद, बिल्कुल देखो अब तेल का क्या हुआ, कैसे 2 दिन रिलीफ दी फिर उससे मिला नहीं, जब महंगा हो साहब को मिल रहा है, कोई एक्शन लिया उसने, कोई एक्शन भी नहीं लिया, हुकूमत तरफ कोई रेट है नहीं, असल बात है कोई रेट नहीं है, तो दुख होता है बातों से, बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है जो बयान भी नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाती है बहुत। हाँ जी क्या कहेंगे जी, मेडिसिन महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, पहले भी मेडिसिन महंगी थी अब भी हो रही है, कितना मुश्किल हो जाता है मरीज बंदे के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और पहले लॉकडाउन की वजह से हालात वाकियात है नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम हो रहे थे वो भी रुके हुए हैं, तो उसके बावजूद अब ये मेडिसिन और महंगी हो गई है, पहले ख़रीदी नहीं जाती मेडिसिन, उसके बावजूद अब और महंगी हो रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए। तो कैसा समझता है एक बंदा जिसकी दिहाड़ी हो, दिहाड़ीदार हो, और उसके लिए अगर अगले दिन जाए तो वो 100 रुपये महंगी दवाई मिल रही हो, उसकी तो पूरा मुश्किल हो जाता होगा। अभी भी मैं मेडिसिन लेने आया हूँ तो मतलब 5 दिन की दवाई 400 की है, तो वो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं 1 दिन की लेकर जा रहा हूँ, तो फिर आगे अब देखूंगा, जो लोगों ने ये सोच लिया कि 1 दिन की ले लेते हैं, ये तो खतरनाक है, ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैसे ही नहीं होते जेब में, आजकल हालात तो वाकई आती कोई नहीं है। तो पहले कितने की मेडिसिन मिलती थी एक टैबलेट, और अब कितने की होगी वो? पहले 150 की मिल जाती थी, हाँ। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है, अब डबल हो गई है, डबल हो गई है। तो गवर्नमेंट तो कह रही थी आवाम को रिलीफ देने, कोई रिलीफ भी नहीं है किसी किस्म का, उल्टा लॉकडाउन की वजह से बड़े हालात वाकयात बड़े ख़राब हैं, हर जगह पेशेंट ही नहीं है किसी जगह पर भी ना। अच्छा, तो उससे कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं, आम लोगों के लिए रोज़गार भी नहीं है, ऊपर से ये महंगा है। हाँ जी बहुत ज़्यादा, आटा चीनी फिर बिजली फिर उसके बाद मेडिसिन, कितने सारे मरले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, हालात आ गया ज़िंदगी गुजारने के लिए, समझते हैं गवर्नमेंट कर लेगी कुछ, 3 साल है मज़ीद उनके पास, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, हालात नहीं है, दिल करता है कि ठीक हो जाए मामला, अल्लाह करे हो जाए। चल, मेडिसिन में इजाफा जो है वो आम बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ लोगों की राय यही है कि पहले भी इजाफा किया हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन भी हुआ, उसके ऊपर नोटिस भी लिए गए, लेकिन वो रिवर्स नहीं हुआ फैसला, बजाय इसके कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि वो फैसला रिवर्स होगा, कीमतें वापस जाएंगी, अब मज़ीद कीमतें महंगी होने जा रही हैं, लोग क्या कहते हैं, हाँ जी मेडिसिन लेने आए हैं, क्या कहेंगे, मज़ीद महंगी होने जा रही हैं मेडिसिन तो दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, हुकूमत की नाकाम मकसद की पॉलिसी की वजह से दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, और जो कीमती दवाइयाँ हैं इंसानी जान बचाने वाली उनके तो बहुत ज़्यादा शार्टेज रहती है अक्सर, और जिस चीज़ की ज़्यादा तलब होती है तो वो चीज़ शार्ट कर दी जाती है और महंगी कर दी जाती है। तो अभी अगर ये मज़ीद बढ़ गई तो और कितना नुकसान हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़रूरत होती है मेडिसिन की और डेली बेसिस पे होती है। हाँ तो वही मैंने बताया ना कि जी ये जो कीमती अद्वियात हैं इंसानी जान बचाने के लिए उसका तो रोज़मर्रा बहरान पैदा हो रहा है ना जी,
और दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं, इससे मकसद है ताजरों को और जो पीछे एक माफिया है उन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, आम आदमी जो है वो तो पिछके रह गए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब की तो कोई पॉलिसी वाजे नज़र ही नहीं आ रही ना जी इस सिलसिले में कि भाई वो क्या उनकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, कोई मकसद है कोई ये चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आ रही ना जी। तो कभी चीनी महंगी होती है, कभी आटे का बहरान आ जाता है, कभी बिजली का, और आवाम क्या ये अब महंगी दवाइयाँ भी खरीदेंगे? तो बात वही है ना कि हुकूमत की मकसद किसी उस पर भी कोई वाजे पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। ये जो आपने जितनी चीज़ें बताई हैं आटा चीनी या मेडिसिन है या बहुत सारी और चीज़ें, तो हुकूमत की कोई पॉलिसी वाजे नज़र नहीं आती और ना कोई मकसद है इस किस्म का कोई ऐसा कानून है कि भाई जो जिस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और इन चीज़ों की रोकथाम हो सके। तो रोका जा सकता है जी, समझते हैं अगर चाहे तो रोक सकती है, लेकिन हुकूमत भी बेबस हुई हुई है इनके। एक बात इससे तो आवाम परेशान हो रही है ना, आम बंदा परेशान हो रहा है, तो हुकूमत को तो रोकना चाहिए जी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि एक माफिया है मकसद है वो इस चीज़ को वो नहीं करता मकसद है, तो वो पता लगता है कि वाकई कोई माफिया है जो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करने देता। चले हाँ जी, क्या कहेंगे जी? दवाई यही बस, यही दवाई महंगी हो रही है, गरीब आवाम रो रही है, बाकी बस हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजर नजर करे, गरीब इंसान का मुश्किल हो जाती है दवाई जब महंगी होती है, ये तो जान बचाने बात। आज तो कोरोना ने वैसे हालात खराब किए हुए, बड़ा गड़ा किया हुआ कारोबारों का, हर चीज़ महंगाई पहले बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ी जाए। ऐसे ही पहले मेडिसिन इतनी खरीद रहे होंगे लोग, और इस दौरान में तो मेडिसिन बिक रही होंगे ना धड़ाधड़, और उसमें फिर महंगा करना, तो ये तो ब्लैक में हर चीज़ ब्लैक में मिल रही है। मेरी गरीब बंदा अब कहाँ जाए, ना उसकी दिहाड़ी है ना कोई चीज़ है, कहीं से घर के चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं, बाकी ये हर चीज़ पे महंगाई पे काबू नहीं हो रहा, क्योंकि चाहिए हुक्मरान तो वैसे बेकार हो गए अब। एक तरफ तो आप आटा चीनी दालें चावल ये खरीदें महंगी, और दूसरे से अगर कहीं कभी कोई बुखार हो जाए कोई बीमारी आ जाए तो ये भी दवाइयाँ, ये तो बस इंसान की पहुँच से अब दूर हो गई है हर चीज़। कौन रोकता कौन है, कौन समझाता है इन सारी चीज़ों को, कौन? तो बस अल्लाह ही समझाएगा तो समझेंगे। गवर्नमेंट नहीं देख रही कि यार लोग आप बोल रहे हैं आपको, गवर्नमेंट खुद खा रही है, वो किसी का नहीं सुनती, वो अपना अपनी जेब भर रही है बस, और कोई उनके नजर नहीं आता। ठीक है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेडिसिन में फिर इजाफा हो रहा है, 10% मंजूरी दे दिया हुकूमत ने, क्या कहेंगे जी? सर इजाफा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक एक इंजेक्शन के ऊपर उन्होंने कम से कम 1500-1600 रुपये बढ़ा दिया एक इंजेक्शन का। ये पहले से बढ़ा हुआ है? ये पहले से, अब नया रेट है, पहले इसका रिटेल प्राइस ही 16 मेट्रोल इंजेक्शन है 500 mg में। किस चीज़ के लिए होता है ये? स्टीराइड इंजेक्शन है, जिसका कोई इन्फेक्शन हो किसी किस्म का, यानी किससे यार दिमाग का मसला हो उसके लिए भी झटके वगैरह हो, अच्छा, जान बचाने का, जान बचाने का, और बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 1532 से 2200 रुपये रेट कर दिया गया है। ठीक है, और ये मेरे पास इसकी पिक भी है, इसका रेट भी है, पुराना रेट भी है और नया रेट भी है। पहले से ही 1500 से 2200 का हो गया है, 1532 से। ये दिखाएं जी, ये पहले मैं इसका ये दिखाता हूँ जी, ये जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये इसका नाम है, और नाम के साथ कीमत अब मैं अगर दिखा दूं आपको तो ये कीमत है जी इसकी, और 1532 रुपये पहले कीमत थी इसकी, और अब जो है 2193 रुपये इसकी कीमत बढ़ गई है। तो ये इस तरह के इकदाम पहले ही हुए हैं, तो ये 10% तो और मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ये अवाम क्या हो क्या रहा है यार, ये हुकूमत सोच नहीं रही, अवाम ने कुछ नहीं सोचना, हुकूमत ने सिर्फ अपना सोचना है, पिसेगी तो बेचारी गरीब अवाम पिसेगी, वो पहले भी पिस रही है अब भी पिसेगी। इमरान खान साहब ने वादा किया था जी मैं किसी गरीब के साथ ये नहीं करूँगा वो नहीं, अब सारे गरीब आपके सामने ही है, वो बेचारा जो उन्होंने ये भी वादा किया था कि जिन्होंने अद्वियात बढ़ाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और रिवर्स होंगे, अब इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मजीद बढ़ा दी, मजीद बढ़ दिया गया रेट, क्या हो क्या रहा मुल्क में, हो क्या रहा भाई? होना तो यही, अब आपके सामने कोई एक्शन लेने वाला है नहीं, यहाँ पे जो भी आता है बस बातें करता है चला जाता है, कोई एक्शन नहीं है। अब देखें इसका 1500 रुपये रेट, 1500 से 2200 इसके इससे बड़ा जो 1 ग्राम है उसका रेट 4400 हो गया, 2788 रुपये उसकी रिटेल प्राइस। हॉस्पिटल में है उसको तो ज़रूरी है, उसे तो चाहिए, उसको तो लाजमी चाहिए। ICU में पेशेंट जो पड़ा हुआ है, हर पेशेंट को दिन में कम से कम 2 से 3 इंजेक्शन लगते हैं, एक वाले दिन में सुबह शाम लगते हैं, सुबह शाम की डोज है, तो जो पेशेंट बेचारा इतना महंगा इंजेक्शन खरीद नहीं पाएगा वो पेशेंट तो मर जाएगा। ये तो बल्कि कम होने चाहिए, जिस भी इस पे तो जान बचती है, ऐसी चीज़ों को तो आम करना चाहिए। बस यही तो कह रहे हैं, बहुत इतना ज़्यादा रेट, पॉलिसी कौन बना रहा है यार? इमरान खान साहब तो कह रहे थे हम मुझे सारी ग्राउंड का पता है, मुझे गरीब के एहसास है, जिनकी जिनको तकलीफ में है जो लोग उनका एहसास है, तो आज वो एहसास। बहुत सारे ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो बेचारे सबके सामने अपने आप को जाहिर नहीं करते, इतने हैं कि उनके घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं पकती बेचारे की। अब मार्केट में ऐसे बंदे ऐसी लेडीज़ अल्लाह माफ़ करे आती है बेचारी के जिनके पास 1-5 रुपये भी नहीं होते, वो भीख मांगती फिर रही हैं, इतनी महंगाई है, क्या करेगा ये इमरान खान?
ये रिलीफ दे रहे हैं आवाम। सिर्फ ये दवाइयों का मसला नहीं है, अशिया जरूरत का भी मसला है। आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, घी, बिजली, हर चीज़ के इफेक्ट जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ जी, पेट्रोल का रेट अब देखो ना, कहाँ बढ़ा के फिर पहले कम किया, फिर कोई पॉलिसी नहीं है, एकदम से 25 रुपये बढ़ा दिया। ये तो गरीब का एहसास नहीं है ना, ये तो एहसास तो नहीं है ना किसी को, कौन करता है गरीब का एहसास? हुकूमत आपके वोट से आई हुई है बेशक, तो फिर ये क्या ऐसे इकदाम तो ना करें ना, ये गलत है। ये इमरान साहब का, इमरान खान साहब को चाहिए कि आवाम के साथ थोड़ा सा ना प्यार मोहब्बत रखें, इस तरह तो आवाम फिर इनके खिलाफ ही जाएगी, फिर इस तरह हुकूमत नहीं चलेगी, दिलों में नहीं फिर राज होगा ना बेशक के। इसमें उनके दिलों में राज तो वही करेगा जो अवामी फैसले करेगा बेशक बेशक। कौन कह रहा है फिर उन्हें फैसले करने का? ये वाला ये गलत है, सरासर गलत है। इनको चाहिए कि मिलजुल के जो भी है ना अपनी हुकूमत चलानी है तो अवाम के साथ प्यार मोहब्बत के साथ नहीं, उनको रिलीफ दें। किसी को तो फायदा और होगा इन फैसलों से, बहुत सारे हैं अवाम जिनको फायदा और होगा। हाँ जी, रियासत मदीना का जो दावा है उसको तो पूरा करके दिखाएं। अद्वियात महंगी होना एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि अद्वियात महंगी होने से जान बचाने वाली वो ड्रग्स जो कि इंतहाई ज़रूरी होती हैं वो पहुंच से दूर हो जाती है आम बंदे के लिए। तो आम बंदा इस वक्त क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखा रहे हैं। हुकूमत क्या सोच समझ कर इन चीज़ों को, अद्वियात को इवन महंगा कर रही है, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे और अवाम के दिलों में राज करे, बजाय इसके कि अवाम को मज़ीद तकलीफ़ दे और अवाम जो है दिल से आपको जो है बुरा भला करे। तो जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट में हाल है, हर कारोबारी शख्सियत से लेकर ख़रीदार तक परेशान है कि आने वाला टाइम कैसा होगा, और इस दौरान में अद्वियात के साथ साथ आपने एक और बम भी गरीब के लिए भेज दिया है, वो बिजली का बिल जो कि पहले से बहुत ज़्यादा आता था, उसमें पीटीवी की फ़ीस आपने 3500 रुपये से आप बढ़ाकर 100 रुपये कर दी। तो ये वो इकदाम हैं जिससे शायद एक दिहाड़ीदार को फ़र्क पड़ता है, उसका बजट डिस्टर्ब होता है और वो बोलता है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त, ग्राउंड रियलिटीज़ यही कह रही हैं कि इस तरह के इकदाम नहीं होने चाहिए थे जो कि हो रहे हैं, और ये कब तक चलेगा ये तो एक हुकूमत के लिए अब सोचना होगा, क्योंकि आवाम अब थक गए बार 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 चीज़ें महंगी होने से, आवाम के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ रही हैं। एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जाएंगे केमिस्ट एसोसिएशन जो कि बहुत वावेला करती थी किसी भी इशू के ऊपर, पर्सनल होता था, खा के उनके लिए फ़ायदा मंद होता था, तो उसके ऊपर शटर डाउन इत्याल भी हो जाती थी। तो केमिस्ट एसोसिएशन से पूछेंगे कि अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी अद्वियात महंगी हुई थी और 400% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया था, तो तब भी वो चुप थे, अब भी क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या लाए अमल बनाए। तो एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है अद्वियात साज कंपनीज को हुकूमत ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो 10% कीमतें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मज़ीद इसलिए मैंने खींच के कहा कि पहले से ही इस कदर महंगी अद्वियात हैं कि इस वक्त वो आमिर कियानी साहब की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो भी टेबल पर पड़ी है, और उसकी कीमतें भी रिवर्स होनी थी, बजाय वो कीमतें रिवर्स होती या फिर स्टॉप लगता, मज़ीद कीमतें बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन दिया है इसके हवाले से लोग भी ये कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन 10% का नहीं है। इसकी बिना पर जो कंपनीज़ हैं हमेशा से ऐसी करती आई हैं कि वो अपनी परसेंटेज अपनी मर्ज़ी से सेट करती हैं। तो इस वक्त हम इस सारे मामले पर बात करने हैं, एक बड़ा तज़िया रखते हैं मुल्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत अख्तर भट्ट साहब जो कि केमिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं डिवीज़न मुल्तान के। तो अख्तर भट्ट साहब, हमेशा से ये बात होती आई है, और आपको पता है कि पहली बार जब अद्वियात महंगी हुई थी हमने शोर मचाया था, शायद वो नून लीग का दौर था, ये इसी टेबल पे बैठ के हमारी डिस्कशन हुई थी, और मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था कि अद्वियात इस तरह महंगी होती हैं। लेकिन इस दौर में तो मुसलसल दिन ब दिन ये इजाफा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? केमिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई मशकूर हूँ रोही चैनल का कि जिन्होंने हर ऐसे मौके पर हर इशू के ऊपर बात करने का हमें मौका फराहम किया। बात यह है कि जहाँ तक आप मेडिसिन की कीमतों की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की कीमतें तो हमारी बदनसीबी है कि एक आम गरीब आदमी और मुतवस्सत तबका तो पहले ही पिसा हुआ है जो इलाज मुआलजे से महरूम है। लेकिन अभी जो आपने सबका अदवार में कीमतों का इजाफे की बात की या जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर नीचे भी हो जाता है, ऊपर भी हो जाता है, कीमतें बढ़ानी भी पड़ती हैं, कम भी करनी पड़ जाती हैं,
लेकिन हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, जिस चीज़ की कीमत एक दफ़ा ऊपर चली जाए फिर वो नीचे आने का नाम नहीं लेता लेती, और जो बंदा इकतदार में आ जाए वो इकतदार छोड़ने का नाम नहीं लेता। उसे लगता है कि मैं मुस्तकिल हूँ, जबकि हमेशा रहने वाली अल्लाह की ज़ात है। और इन ओहदों के ऊपर, पैसों के ऊपर, अपने इख्तियारात के ऊपर इतना घुमंड और इतना मान नहीं करना चाहिए जो कि टम्परेरी है। कोई पता नहीं किस वक्त इंसान की ज़िंदगी भी चली जाए, तो इंसान की ज़िंदगी भी एक अमानत है। लेकिन बात यह है कि ये जो कीमतों की बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में, ये नहीं कि मैं किसी हुकूमत की मुखालफत में बात करूँ, जो ज़मीनी हकायक हैं वो यही हैं कि इस दौर में हर शोबे में जो मुल्क के साथ, अवाम के साथ, मरीज़ों के साथ, हॉस्पिटल के साथ और हर शोबा ज़िंदगी के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे इस मुल्क के साथ कोई दुश्मनी लेने के ऊपर कुछ लोग उतरे हुए हैं, या इसकी कोई पुष्ट पनाही कर रहे हैं कि इस मुल्क को इतना बर्बाद कर दो कि ये उठने के काबिल ही ना रहे। एक तरफ तो ये मामला है कि अदवियात साज कंपनीज़ के ऊपर सारी बात जा रही है, लेकिन आप जैसे लोग भी तो मुनाफा कमा रहे होंगे। आप लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपने मुनाफा कमाएं, आप मज़े करें, क्योंकि आंखें तो बंद की हुई हैं, बेशक अद्वियात साज कंपनीज़ की वजह से की हुई हैं, लेकिन आपके ऊपर तो नज़र नहीं पड़ रही ना, आप लोग भी तो मज़े। मोहसिन भाई, बात यह है कि जो लोग सिर्फ दूध निकालने वाले हों ना, उन्होंने तो दूध निकाल के चले जाना है। भैंस को कैसे संभालना है, कैसे उसको नहलाना है, कैसे उसको चारा देना है, कैसे उसको धूप में से छाँव में बांधना है, वो तो उनको पता है। ये तो लोग हैं दूध पीने वाले, मक्खन खाने वाले, मलाई खाने वाले, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ जहाँ तक आपने बात की कि हम क्यों इस बात पे, इशू पे बात करते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी रिलेटिव हैं, हमारी भी बरादरी है, उनमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में एक वक्त खाने को है, एक वक्त खाने को नहीं है। बात यह है कि मैं कहता हूँ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए आप 500% कीमतें बढ़ा दें, हमें क्या एतराज़। लेकिन आपने तो जो नारा लगाया वो ये गरीब आदमी को हम तकवीत देना चाहते हैं, उसको ऊपर लाना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ मार रहे हैं आप उनको। गरीब आदमी इस वक्त ना जिंदों में है ना मुर्दों में है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग वो लोग थे जो अपने मफाद के लिए आप स्टोर्स को ताले लगा देते थे, ऐसी स्ट्राइक होती थी कि मुल्क पूरा स्टक हो जाता था और लोगों को वाकई पता चलता था कि किसी ने हड़ताल की है, तो वो चीज़ अब भी तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता उकसाता नहीं हूँ, लेकिन इसके ऊपर आप कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं। आप इस वक्त सदर हैं, एक अच्छी बरादरी को रिप्रेजेंटेटिव। बात यह है मदन भाई, ये उकसाने वाली बात नहीं है, ना ही हम उकसाने से कोई बात करते हैं। जो दिल की बात है, जो ज़मीनी हकायक हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ज़मीनी हकायक यही हैं कि इस मुल्क के ऊपर इस वक्त जितना जुल्म व सितम हो रहा है, मेरे हाल पाकिस्तान की तारीख में हमने ना देखा ना सुना। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हमने एहतजाज किया, हमने हड़ताल की, वो भी हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं की। मसलन हम हलफ देते हैं, जैसे भी ओहदा लेते हैं, कि हम खुदा को हाजर नाजर जान के कहते हैं कि हम अपने ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं देंगे, इजतमाई मफादात को तरजीह देंगे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये काम हमें करने पड़ते हैं। लोगों ने अगर हमें नुमाइंदा बनाया है, तो अगर हम लोगों की नुमाइंदगी में आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो फिर लानत है हमारे इस ओहदा रखने के ऊपर। समझ रहे थे कि वो गरीब के लिए आप बिल्कुल ऐसे, अब गरीब की बात आ गई है। अब शुगर वाला जो मरीज़ है या डायलिसिस वाला गरीब मरीज़ है, उसकी बात हो रही है, वो 2300 रुपये वाली दवाई अब 3200-3300 रुपये की हो गई है और मजीद 10% उस पर बढ़ाने जा रहे हैं, तो अब भी तो बात करें सर। मैं अब भी यही बात कर रहा हूँ, मैं तो बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब से मुखातब होकर गुजारिश करना चाह रहा हूँ, चेयरमैन नैब साहब से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी इन आंखों से देख रहे हैं कि अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ क्या जुल्म व सितम हो रहा है, और गरीब और एक मुतवस्सत तबका जो मरीज़ हैं वो बेचारे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। अब हमने शोर मचाना है, जो ज़िंदगी गुजर गई हमारी शोर मचाते मचाते, अब भी हम शोर मचा रहे हैं और मचाते रहेंगे, क्योंकि अपने अवाम के लिए, अपने ताजरों के लिए, अपने ट्रेड की खिदमात के लिए जो हमारी जिम्मेदारी, वो हम पूरी मचाएंगे या लाएमल भी बने। लाहे अमल वाला जो मामला आ जाता है ना जी, उसके लिए भी हम कभी ना पीछे हटे हैं ना हटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त मौजूदा जो दौरे हकूमत है, वो मैं जो अपनी नाकस अकल और अपनी समझ के बाद मुताबिक बात करता हूँ, वो भैंस के आगे बीन बचाने वाली बात, बजाय इसके कि एक बंदा पहले ही ऑक्सीजन पे है, उससे आप ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उतार लें और उसको कहें जाओ भाई अल्लाह के हवाले। इशू तो बहुत बड़ा है ना बट साहब, इशू ये है कि आमिर कियानी साहब
थे उनके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, आपने कहा कि वो 300% जो अदवियात बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने कहा उसको रिवर्स होगा, वो रिवर्स नहीं हुआ, उसके बाद ये नोटिफिकेशन हो गया, आप कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ दिखावे का है, ये पीछे हो जाएगा ताकि वो वाला इशू वहीं का वहीं रहे, तो इशू तो बहुत बड़ा है, बात सिर्फ 10% की नहीं है, बात कई 100% की है। सवाल ये पैदा होता है कि पानी तो पुल के नीचे से गुजरना है, इस मामले में कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, और अगर कोई जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एहतसाब सेल में, नैब में कोई भी सियासतदान जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग जाता है उसको अरेस्ट करके हवालात में भेज देते हैं, यहाँ क्यों खामोशी है? 300-400% कीमतें मेडिसिन की बढ़ना, ये कोई मजाक मामूली बात है? पहले नून लीग वाले संभाल लिए, फिर उस बात नहीं, नून लीग वालों को फांसी दे दें, हम नहीं कहते किसी को, जिसने भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसने भी इस मुल्क को खाया है और ये जो खा रहे हैं, ठीक है ना, इनका तो नारा ये था कि हम अपने आप से इत्साब शुरू करें कि क्यों नहीं करते, पहले अपने आप को इत्साब के लिए पेश करें, क्या इकतदार लेने का यही मकसद है कि हमने अपोजिशन को क्रश करना है, क्या इकतदार लेने का यही मकसद है कि हमने जो अवाम है, गरीब अवाम है, उनको हमने जिंदा दरगोर करना है, यही मकसद है? आप कुछ कारकर्दगी तो दिखाएं, जो भी उठता है, नून लीग ने ये किया, पीपल पार्टी, मैं कहता हूँ जहन्नम में गए वो, जो कर गए उसकी सजा वो भुगत भी रहे हैं और भुगतते रहेंगे, अल्लाह ताला जो सही है उनको सुरखरू करेगा, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांकें भी, आप क्या कर रहे हैं? दो साल में आपने क्या किया अवाम के लिए जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा शोभा बता दे मुझे कि जो इस दौरे हुकूमत में जिसमें सुकून हो, जो स्मूथली चल रहा हो और जो लोग खुशहाल हों, मुझे बता दें, आप बता दें, मैं आपसे, मेरा आपसे बहुत सारे अरबोपति आईपीपीस वाले अरबोपति हो गए, ठीक है, अद्वियात साज कंपनी वाले अरबोपति हो गए, और कितना सुकून दें आप, हुकूमत मौजूदा हुकूमत करोड़ों पति को अरबोपति बना रहे हैं। भाई बात यह है कि मैं उन डाकुओं, लुटेरों, चोरों, करप्ट लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको आप सरे आम फांसी दें, हम आपके साथ खड़े होंगे, उन लोगों को उल्टा लटकाएं चौक में, उनको कोड़े मारें और उनको फांसियाँ दें जो इस मुल्क को और कौम को लूट रहे हैं और लूट चुके हैं, उनका क्यों लिहाज कर रहे हैं? किसने मना किया आपको? लेकिन अब आपकी हुकूमत है, अवाम के लिए बात कर रहा हूँ, ये सारी बात अवाम के लिए हो रही है, अब हुकूमत को पता है भी ये सारी करप्शन हुई है, लूट मार हुई है, आटा देख लें, चीनी देख लें, गंदम देख लें, बिजली का हाल देख लें, आज तक इतने नोटिस नहीं लिए जितने वज़ीर आज़म ने लिए हैं, वो तो नोटिस वज़ीर आज़म लेते हैं और किसी और का रिकॉर्ड, नोटिस जो निकलता है जो भी वज़ीर आज़म के मुँह से जिस इशू के ऊपर भी नोटिस निकलता है उसके साइड इफेक्ट फौरी सामने आ जाते हैं, चीनी का नोटिस लिया 50 रुपये से 70 रुपये पर चली गई, आटे का नोटिस लिया आटा गायब हो गया, गंदम का नोटिस लिया गंदम गायब होगी, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ वज़ीर आज़म से, गरीब के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई और गरीब के लिए आज भी मामला बड़े मुश्किल हैं, और अद्वियात साज कंपनीज़ को इस मौके पर मज़ीद 10% की छूट देना मुनासिब नहीं था, जो कि इस वक्त अवाम भी कह रही है, बाशूर लोग भी, इस फील्ड से तजर्बाकार लोग भी यही बात कह रहे हैं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं थी, क्योंकि इसी को बेस बनाकर कई गुना ज़्यादा रेट बढ़ा दिए जाते हैं, और गरीब जो मरने वाली हालत में होता है खुदा न खास्ता, जान बचाने के लिए अद्वियात महंगी लेने पर मजबूर रहता है, और इस सारी सूरत हाल में वो चीज़ें तो ज़रूर की जाती हैं जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आमिर कियानी साहब की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद दवाइयों के रेट रिवर्स होंगे, रिवर्स तो नहीं हुए, मज़ीद बढ़ा दिए गए, जिसके ऊपर अवाम भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं, वो तजर्बाकार अफराद भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं जो कि अरसा दराज से उन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड को दी हुई है, तो वो भी हैरान है कि इस तरह का अजीब फ़ैसला इस मौके पर नहीं देना चाहिए था, एक इशू के बाद दूसरा इशू शायद लोगों की तवज्जा बटाने के लिए किया जा रहा है या फिर ये नाअहली है। ये था जी आज का प्रोग्राम, फ़ैसला आप करेंगे कि क्या मामलात हैं, अपने मेज़बान मुस्लिमों को जा दीजिए, अल्लाह निगहबान।